नमस्कार, मैं किंजल ऑल्टनी से। नागरिकता संशोधन विधेयक के पारित होने के बाद सोशल मीडिया पर कई भ्रामक सूचनाएं प्रसारित की जा रही हैं। हम आज अपने इस वीडियो में ऐसे ही एक उदाहरण को देखेंगे। ये आग लगाने वाले लोग कौन हैं? इसका पता उनके कपड़ों से लग जाता है। इस संदेश के साथ सोशल मीडिया पर दो तस्वीरें प्रसारित की जा रही हैं। पहली तस्वीर में एक व्यक्ति को पुलिस कर्मी की वर्दी में देखा जा सकता है, वहीं दूसरी तस्वीर में एक व्यक्ति को लोकसभा स्पीकर ओम प्रकाश बिरला के साथ आरएसएस की पोशाक में देखा जा सकता है। दावे के अनुसार पुलिसकर्मी की पोशाक में दिख रहे व्यक्ति आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, जो कि सीए के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ ज्यादती से पेश आ रहे हैं। तो क्या वास्तव में यह व्यक्ति आरएसएस कार्यकर्ता है? आइए जानते हैं कि इसकी सच्चाई क्या है। ऑल्ट न्यूज ने पाया कि दोनों तस्वीरों में दिख रहे व्यक्तियों के एक होने का दावा पूरी तरह से गलत है, और इस बात की जानकारी हमें ओम बिरला के फेसबुक अकाउंट को खंगालने से मिली। उनकी टाइमलाइन पर मौजूद अन्य तस्वीरों में बिरला को समान व्यक्ति के साथ देखा जा सकता है। बूम लाइव ने तस्वीर में दिख रहे पुलिसकर्मी की पहचान विनोद नारंग के रूप में की है, जो कि कन्नौट प्लेस पुलिस स्टेशन के थाना अधिकारी हैं। दरअसल तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति राजस्थान के बूंदी विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक अशोक डोगरा हैं। उनकी अन्य तस्वीरों की तुलना वायरल तस्वीर से करने पर भी इस बात की पुष्टि होती है। अशोक डोगरा की अन्य एक तस्वीर में भी उन्हें आरएसएस की पोशाक पहने हुए देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त अशोक डोगरा और दिल्ली पुलिसकर्मी की प्रसारित तस्वीर की तुलना करने पर उनके बीच का फर्क साफ दिखाई देता है। इस प्रकार नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के भेष में एक आरएसएस कार्यकर्ता के होने का दावा पूरी तरह से गलत साबित होता है। सोशल मीडिया पर प्रसारित ऐसी किसी भी संदेहपूर्ण जानकारी, तस्वीर या वीडियो की सत्यता को जानने के लिए आज ही अपने मोबाइल पर ऑल्ट न्यूज़ ऐप को डाउनलोड करें। धन्यवाद।